वेलकम टू माय चैनल। और अभी सुबह के बजे हुए हैं 9 और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और आप लोगों को मैं पहले बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बहुत ही मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। अगर मैं ना आपको एक सेकेंड दिखाती हूँ बैक कैम, बादल हो रखे हैं और बारिश किसी भी टाइम हो सकती है। और अभी थोड़ा बहुत बारिश हो रही थी, बाहर से उठा दिया था। मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी हो रखी थी तो मौसम हो गया बहुत ही मौसम बहुत ही अच्छा। और अब मैं कर लेती हूँ अपने घर के काम जो भी हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और उनके आने से पहले होता है मुझे मेरे घर के सारे काम है जो ख़त्म हो जाए, तो फटाफट से जो है हम करते हैं अपने काम। और आप भी मेरे साथ बने रहिए, तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बस मैं आ गई हूँ, सबसे पहले बेडरूम सेट करती हूँ। आप लोगों को पता ही है, तो बेडरूम जो है मैं सेट कर रही हूँ अपना फटाफट से। वैसे मैंने चादर वगैरह बिछा दी थी और ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया था पहले से भी, ब्रेकफास्ट किया फिर मैंने चादर वगैरह बिछा दी थी। अब थोड़ा सा सेट कर रही हूँ, फटाफट से मैं इसको सेट कर देती हूँ। और उसके बाद जो है मैं सीधा आ गई थी किचन के अंदर। किचन पहले क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट मेरे भाई के लिए, और उसके लिए चाय बनानी है, वो बना दूँगी। तुरइयों की सब्ज़ी बनाऊँगी तो इसलिए निकाल के रख रही हूँ। और ये तुरइयों के जो सब्ज़ी वाला पोलोथीन है, इसमें जो सारा कूड़ा वगैरह है, जैसे कि मैंने बिस्किट वगैरह पड़े हुए थे, प्याज वगैरह, सुबह मैंने बच्चों को टिफ़िन के अंदर खिचड़ी पैक करके दी है, तो वो सामान जो है मैं इस पोलोथीन में रख दूँगी। तो पहले मैंने सोचा कि चलो मैं ना भाई का खाना ही बना देती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसके भी जाने का टाइम हो रहा है तो उसका ब्रेकफास्ट बनाना है। वो लेट करता है, वो 10 बजे अपना जॉब पे जाता है, तो उसका खाना मैं 10 बजे ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो उसका ब्रेकफास्ट 2 पराठे उसके बनाने हैं, चाय बनानी है, तो फटाफट उसके लिए बना देती हूँ। फिर उसके बाद मेरे जो बाकी के काम हैं मैं अपने घर के वो स्टार्ट करूँगी। तो सिंपल पराठे मैं बना दूँगी, वो अचार के साथ खा लेता है, अगर कोई सब्ज़ी हो तो उसके साथ खा लेता है, लेकिन वो पराठे ही खाना पसंद करता है सुबह ब्रेकफास्ट में, तो उसके लिए वही बन जाता है। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश वाला मौसम है, बहुत ही अच्छा वेदर हो रखा है। मौसम है, अच्छा लग रहा है मौसम, क्योंकि गर्मी इतनी हो रखी थी ना, इस वजह से मौसम जो है ठंडा ठंडा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और चाय जो है यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है, साथ में चाय बन जाएगी, एक सेट पराठे बन जाएंगे, तो मेरा ये काम जो है ब्रेकफास्ट वाला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं सीधा किचन जो है क्लीन कर दूँगी, जो मेरे डेली के रूटीन होते हैं, काम होते हैं वो। तो यहाँ पर जो है मैं दूध वगैरह जो ना ऊपर वाले फ्रीजर में रखती हूँ, क्योंकि आजकल ना पता नहीं क्या हमारा फ्रिज जो है ना सही से चल नहीं रहा, ख़राब है ऐसा समझ लीजिए। तो मैं जो सामान नीचे रखती हूँ वो ख़राब हो जाता है, फिर मैं ऊपर वाले में रख देती हूँ। तभी फ़िलहाल के लिए मैंने रख दिया है नीचे। तो यहाँ पे जो है पराठे वगैरह मैं फटाफट से सेक दी है, उसके लिए 2 पराठे ही बनानी थी, और साथ साथ मैंने तुरइयों की सब्ज़ी बनानी है, तो मैं इसे छील के रख देती हूँ फटाफट से। मैं ये काम भी जब तक जो पराठे सिक रहे, चाय बन रही है, मैंने सोचा जितना मुझसे होता है ना साथ साथ मैं ये वाला काम भी ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि मुझे होता है बच्चों के आने से पहले मेरा जो घर के सारे काम है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएँ, क्योंकि जब वो आ जाते फिर मुझे ना बिल्कुल टाइम नहीं होता उनको खाना दो, उनके कपड़े वगैरह चेंज करवाने होते हैं बहुत ज़्यादा। और कभी कभी ऐसा होता है सुबह मॉर्निंग के टाइम में कभी इनको नहला देती हूँ, कभी मैं इनको स्कूल के आने के बाद नहलाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है अगर जल्दी उठ जाएँ तो फिर मैं जो है सुबह नहला के भेजती हूँ, अदरवाइज़ मुझे होता है ये आके नहलाएगा, क्योंकि बेटा कभी कभार जो है उठने में थोड़ा तंग करता है, उसके लिए फ़र्स्ट टाइम अभी स्कूल वूल जाना, तो वो लेट स्कूल हो 8-9 बजे तो ईज़िली उठ जाता है, लेकिन अभी जो है सुबह उसको उठाना पड़ता है 6:30-6 बजे, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, फिर मैं आके नहलाती हूँ। तो यहाँ पे तोरियाँ वगैरह मैंने कट कर दी थी, नाश्ता वगैरह जो है सब हो चुका है, बना के मैंने रख दिया है। और अब मैं आ गई हूँ सीधा झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। बेडरूम मैंने सेट कर दिया था, लिविंग रूम है, इसको थोड़ा सा सेट करना है, ये आजकल जो है ये सेट रहता है, मैसी नहीं रहता है, बेडरूम ज़्यादा फैला रहता है, क्योंकि उस गर्मी है उसी रूम में ए सी है, तो हम उसी में ज़्यादातर बैठते हैं, वो यूज़ में आता है। तो अभी जो है मैं लिविंग रूम है इसको साफ़ वगैरह कर दूँगी फटाफट से, और बच्चों के आने से पहले मुझे ये होता है मेरे घर के सारे काम है जो है ख़त्म हो जाए आराम से, फिर मैं बच्चों को आराम से देखूँ, तो ये मेरा रहता है। तो फटाफट से अब जो है इसमें से जो है मैं थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह एक सोफ़े पे मैं कर दूँगी, और ये सारा हटा कर मैं अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे खेलते हैं और बच्चों वाला घर है, तो जितना मर्ज़ी साफ़ रखो तो गंदा तो रहता ही है, हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे बेटे के टॉयस वगैरह आप देख सकते हैं, सारा सामान है उसका मैं उठा कर साइड में कर रही हूँ। तो फटाफट से जो है हम झाड़ू लगा लेते हैं, और इसके बाद रह गया था पोछा, बस मैंने साथ में पोछा भी इस रूम में लगा ही दिया था ऑलमोस्ट। तो ये मेरा आज का रूटीन था, और आज का मौसम अच्छा था, ऐसा नहीं था कि गर्मी है बहुत ज़्यादा। और सुबह बस ब्रेकफास्ट वगैरह में ऐसे ही मेरा रूटीन रहता है करके, फिर बाद में अपना काम वगैरह जो मैं सारे कर लेती हूँ। तो ये मेरा आज मॉर्निंग का रूटीन था ऐसा, और आज मौसम सही रहा, बहुत अच्छा रहा, इतनी गर्मी नहीं थी, और लेकिन यह है कि बारिश भी नहीं हुई और इतनी गर्मी भी नहीं थी,
तो बस यहाँ पे मैं अपना पोछा वगैरह लगाती हूँ और आपको जल्दी मिलूँगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन है आप लोगों को जल्दी मिले। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।